What is the famous handloom saree from Gujarat? Option is Doria. Second is Surti Sari. Third one is Patola. Fourth one is Jamdani. Patola is the right answer. Third question is, what is the famous design in Kashmiri shawl? Pazle. B is geometrical shape. C is circles. D is bird's motif. First option, Pazle is the right answer. थोड़ा सा जल्दी हो रहा है, आप समय लीजिए अपना. Fourth question is, which technique is used to weave patola साड़ी? Which technique is used to weave patola साड़ी? First option is single ikar, second is double ikar, third is jamdani, fourth is jala. Right answer. Famous handloom sari of Maharashtra. Patola, jamdani, patni, tanchoi. नहीं, इसका सॉल्यूशन है मेरे पास. मैम आप देख रहे थे क्या? दुविधा में था, दुविधा दूर करने के लिए नहीं, ड्रॉप आउट नहीं होगा. फिर से मैं ना ऑप्शन बता रहा हूँ, आगे पीछे कर लेना आप. आप लोग हाथ नीचे रखो, ऐसे ऐसे. हाँ, अब सही होगा. ऑप्शन ए इज पटोला, जामदानी, कैटनी, तंजोई. पैटनी इज द राइट आंसर. महाराष्ट्र की जो फेमस साड़ी है पैटनी है. हम लोग बहुत बड़ा मार्केट है दुनिया के. इंडिया इज परहैप्स वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट्स फॉर अदर कंट्रीज टू कम एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स. तो जब हम 138 करोड़ के करीब हम लोग जनसंख्या है, जो आने वाले सेंसस में और भी बढ़ जाएगा, जब हम दुनिया के लिए इतना बड़ा मार्केट है कि MNCs आकर, बहुत सारी कंपनियां आकर यहां पर हमें अपने माल बेचती है, तो जिसको हम एक्सपीरियंस इकोनॉमी बोलते हैं, एक्सपीरियंशियल टूरिज्म बोलते हैं, एंड उसमें क्राफ्ट का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है. अच्छा, क्राफ्ट एंड क्रिएटिव इंडस्ट्रीज हैव अ ह्यूज रोल इन एक्सपीरियंशियल टूरिज्म. एंड आई जस्ट वांट टू आस्क मनीषा जी, व्हाट डू यू थिंक ऑफ द पॉसिबिलिटी एंड पोटेंशियल ऑफ क्राफ्ट इन दिस एक्सपीरियंशियल टूरिज्म? सरकार के जो प्रयास किए हैं, स्पेशली इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज आपने बहुत राइटली पॉइंट आउट किया. तो टूरिज्म में उनका इम्पोर्टेंस और शेयर टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, उतना ही इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज पर मान लो. माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू मंजू जी, क्राफ्ट टूरिज्म में सिंस यू आर फ्रॉम पीली एंड यू हैव अंडरस्टैंडिंग अबाउट मीडिया कैसे काम करता है, तो क्राफ्ट टूरिज्म में मीडिया का रोल क्या हो सकता है, उसका पोटेंशियल को कैसे आगे बढ़ा सकता है, इसमें इसके बारे में आप थोड़ा विचार. क्राफ्ट टूरिज्म की, जैसे कि मैम ने बताया कि हमारे राजस्थान में तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है. अगर हम देखें कि पूरी इंडिया में क्राफ्ट टूरिज्म के बारे में जो नाम आता है, उसमें स्पेशली जो साउथ की कुछ स्टेट्स हैं, उड़ीसा है, उसके अलावा राजस्थान जो है एक प्रोमिनेंट स्टेट के तौर पर आता है, और मैं राजस्थान से ही बिलोंग करती हूँ. तो इतना हमें, मतलब हम कह सकते हैं कि राजस्थान में जो पोटेंशियल है, जो क्राफ्ट है हमारे यहाँ पर,
वो अभी जितना यहाँ पे है वो उतना मीडिया में आया नहीं है, उतना अभी तक हम लोगों ने इसको मीडिया के माध्यम से लोगों तक नहीं पहुँचाया है कि यहाँ पे किस किस तरह की कलाएं हैं। देखा जाए तो जो जयपुर के आसपास वाले कुछ हैं, जैसे बबरू प्रिंट है या सांगा नेल प्रिंट है, जो यहाँ पे मीनाकारी का काम होता है, वो सबको पता है, वो उसका थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो चाहे वो बॉलीवुड में हो चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो, तो उसकी पहचान पर भी काफ़ी डिमांड आती है उस पर। लेकिन ये जैसे कि मैम ने भी कहा कि चार जिलों में हम लोग यूनेस्को के साथ काम कर रहे हैं, तो वैसे बहुत सारे छोटे छोटे पॉकेट्स हैं जहाँ पे अलग अलग तरह की कलाएँ हैं। मुझे ध्यान है, मैं तपन जी से भी कह रही थी कि मुझे खुद नहीं पता था, जबकि मैं खुद थोड़ा इंटरेस्ट लेती हूँ इसमें हैंडीक्राफ्ट में। दिल्ली में भी जितने भी हमारे एम्पोरियम्स हैं या कभी कभी एग्जीबिशंस